प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक री कर रिया है अध्यक्षता। विकसित भारत 2047 ने लेर करी जा रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पाछे एनटीए नीट यूजी पाछो बदलने परिणाम करियो जारी। सगला वर्गा में कट ऑफ में दो दो अंक लिया कम। अजमेर में प्रशासन 3 लोगों ने दी भारतीय नागरिकता। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने दिया नागरिकता प्रमाण पत्र। पेरिस ओलंपिक की भी जोरदार शुरुआत। ओलंपिक में भारत ने कई पदक जीतवा रही है उम्मीद। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग आने वाला दिना में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की जताए अनुमान। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप घणे मान सु स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास और अब खबरा विकतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली रा राष्ट्रपति भवन रा सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग री 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग री बैठक री अध्यक्षता कर रिया है। बैठक में विकसित भारत 2047 ने लेर चर्चा करी जा रही है। वटे ही इणमाय राज्यारी जकी भूमिका है उन भूमिका रे माथे भी विचार विमर्श करियो जा रही है। बैठक में कई राज्य का मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी भाग ले लिया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस वर्ष की बैठक का विषय विकसित भारत @2047 है। बैठक में विकसित भारत पर दृष्टि पत्र के प्रस्ताव पत्र पर भी चर्चा प्रस्तावित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी का शासन और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी युक्तियों के वितरण तंत्र को मजबूत बनाने के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार विमर्श होना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पाछे एनटीए नीट यूजी रो पाछो बदलने नतीजो जारी करियो है। इनमें अनारक्षित वर्ग एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी री कट ऑफ में दो दो अंक कम हुआ है। वटे ही टॉपर से संख्या मायने भी गिरावट आई है। अब 720 मायसू 720 अंक हासिल करवा वाला री संख्या 17 रह गई है। राजस्थान सरकार नई खेल नीति रो ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लियो है। सूत्रा रे मुजब खेल नीति रा नया ड्राफ्ट में खिलाड़िया खातर कई नया प्रावधान करिया गया है। इन नीति में खिलाने 3 श्रेणियां में बांटियो गयो है। वटे ही खिलाड़िया खातर कई सुविधा देवारी भी व्यवस्था करी गई है। इनके अलावा नीति में फिट राजस्थान री भी बात करी गई है। बीकानेर में पुलिस कार्रवाई करता थका साइबर सेल री मदद से गुम हुआ 125 मोबाइल बरामद कर लेना है। इनकी कीमत 30 लाख रुपया बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम बताया कि गुमियोड़ा मोबाइल री बरामदगी खातर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अजमेर में प्रशासन 3 लोगों ने भारतीय नागरिकता देनी है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर गजेंद्र सिंह राठौड़ पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने नागरिकता प्रमाण पत्र दिनो है। तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं, इन्होंने भारतीय नागरिकता अर्न करने की सारी योग्यताएं पूरी कर चुके हैं।
गृह विभाग ग्रुप 4 से इनके नागरिकता के प्रमाण पत्र आज प्राप्त हुए, वो इन्हें वितरित किए हैं। कहाँ पर रहते थे ये? अभी अजमेर में ही रहते हैं और इनके माता जयपुर के निवासी थी, बाद में उनकी शादी पाकिस्तान हो गई थी। अब इनके परिवार के काफी सदस्यों को पूर्व में ही नागरिकता मिल चुकी है, आज बाकी 3 लोगों को मिली है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज आपरो स्थापना दिवस मना रियो है। आंतरिक सुरक्षा ने देखता थका इंड्र स्थापना करी गई है। जरूरत पड़वा माथे सीआरपीएफ सीमा माथे सेना रे साथे कंधा सुकंधो मिलार कई अहम लड़ाया माई ने भी खुदरो योगदान दियो है। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है। ये सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। इसे साल 1949 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया, लेकिन आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नाम दिया गया। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत की बदलती जरूरतों के मुताबिक सीआरपीएफ की एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की और सीआरपीएफ अधिनियम के भीतर सीआरपीएफ को नियंत्रित करने वाले नियमों ने 1995 में आकार लिया। 25 मार्च 1955 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक रूप से ये प्रकाशित हुआ। और अब आपको बताएं, जब सीआरपीएफ ने वीरता और शौर्य की गाथा पेश की, 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में भुज, भूतपूर्व पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ और चंबल के बीहड़ों में सीआरपीएफ टुकड़ियों के सराहनीय प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली। इस क्षेत्र की विभिन्न रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ और गुजरात में काठियावाड़ जैसे विद्रोही रियासतों में व्यवस्था स्थापित करने में भी बल का विशेष योगदान रहा। इन दोनों ने ही शुरू में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया था। आजादी के तुरंत बाद सीआरपीएफ की टुकड़ियों को कच्छ, राजस्थान और सिंध की सीमाओं पर भेजा गया, जहां उन्हें घुसपैठ और सीमा पार अपराधों पर लगाम लगाने का काम सौंपा गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू की गई आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में इन बलों को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया। 21 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ का एक गश्ती दल चीनी सेना द्वारा घात लगाकर किए गए हमले का शिकार हो गया। ये घटना लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में हुई थी। इस मुठभेड़ में हमारे 10 बहादुर सीआरपीएफ जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान एक बार फिर सीआरपीएफ ने अपनी बहादुरी की मिसाल पेश की। बल ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को सहायता दी। इस आक्रमण में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। वहीं 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। सीआरपीएफ ने भारतीय अर्धसैनिक बलों के इतिहास में एक नई उपलब्धि जोड़ी, जब महिला सैन्य कर्मियों की एक टुकड़ी के साथ सीआरपीएफ की 13 कंपनियों को श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को मजबूत करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा भी राष्ट्रीय सीमाओं से आगे बढ़कर सीआरपीएफ कर्मियों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दी हैं। सीआरपीएफ संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के भाग के रूप में हैती, नामीबिया, सोमालिया, मालदीव, कोसोवो और साइबेरिया में भी तैनात रही। इसके अलावा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर किए गए हमले को भी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने ही नाकाम किया था। सीआरपीएफ और आतंकवादियों के बीच 30 मिनट तक चली गोलीबारी में 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और अब एक खबर खेल से। पेरिस ओलंपिक री जोरदार शुरुआत वेगी है। पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक रो आयोजन हो रियो है। इन ओलंपिक में भारत ने कई पदक जीत बारी उम्मीद है। तीरंदाजी में भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमा देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश यादव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। रैंकिंग राउंड में अंकिता भगत, भजन कौर और दीपिका कुमारी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलाया। वहीं पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, धीरज बोमा देवरा और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।
पेरिस ओलंपिक में जिस एक स्पर्धा में भारतीय खेल प्रेमी पदक पक्का मानकर चल रहे हैं वो है एथलेटिक्स। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में वो करिश्माई प्रदर्शन देखने को मिला था जिसका इंतजार लंबे समय से खेल प्रेमी कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतकर करोड़ों भारतीयों को जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसे में पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा पर लगी होंगी। इस बार ओलंपिक जा रहे सबसे ज्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से हैं। इनमें 11 महिला और 18 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इनमें से 27 एथलीट ओलंपिक में हिस्सा लेंगी, वहीं 2 एथलीट को रिजर्व में रखा गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी पिछले कुछ समय से लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे अधिक पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। 2008 ओलंपिक के बाद भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में पदक हासिल किए हैं। अंतिम पंघाल और अमन सिरावत पदक के प्रबल दावेदार हैं, वहीं विनेश, अंशु, निशा और रितिका से भी पदक की उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से हर किसी को पदक की उम्मीद होगी। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह के हाथ में है। इस बार टीम में 5 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी गोलकीपर पीआर शिजेस और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह इस बार अपना 4th ओलंपिक खेलेंगे। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम इस बार अपने बढ़े हुए जज्बे के साथ मैदान पर उतरेगी। राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघरा तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता री कुचामन सिटी में शुरुआत हुई। संघरा सचिव शौकत मंसूरी बताया कि इन प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 22 और महिला वर्ग की 18 टीमें भाग ले रही है। ये 33 यूथ राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में खेला जाने वाला गेम है। धीरे धीरे ये संपूर्ण भारत में प्रचलित हो रहा है और ये 150 वर्ष से खेला जा रहा है भारत में। 6 अर्जुन अवार्डी है इस गेम के और स्कूली विश्वविद्यालय और भारत के 10 जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें गेम खेला जाता है। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है। 24 टीमें तो बालक वर्ग में है और 18 टीमें बालिका वर्ग में इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। बॉल बैडमिंटन खेल के 5 प्लेयर एक साइड में खेलते हैं। वुडन वुन की बॉल से खेला जाता है। जैसे वॉलीबॉल में बॉल ऊपर चलती है उसी तरीके से बॉल बैडमिंटन की बॉल कंटिन्यूअसली ऊपर नेट के ऊपर चलती है और जमीन पर गिरने के बाद पॉइंट मिलता है। और अब खबर मौसम से। प्रदेश का कई इलाका में घनी बिरखा रे चालता पानी रे भराव रा हालात बनियो रहा है। काल कई ठोरा माते मूसलाधार बारिश सु नदी नाला उफान माते रिया है। लाड़ला 24 घंटा री बात करा तो 24 घंटा माए कोटा माए 60, फतेहपुर माए 50 और भरतपुर माए 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की निगी है। मौसम विभाग रे मुजब राज्य रा पूर्वी इलाका माए एक सप्ताह ताई मानसून सक्रिय रेवेलो। और बुलेटिन रे अंत माए मुख्य खबरां एकर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक री कर रिया है अध्यक्षता। विकसित भारत 2047 ने लेर करी जा रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पाछे एनटीए नीट यूजी रो पाछो बदलने परिणाम करियो जारी। सगला वर्गा माए कट ऑफ माए 2-2 अंक लिया कम। अजमेर में प्रशासन 3 लोगों ने दी भारतीय नागरिकता। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर पाकिस्तान से विस्थापित लोगों ने दिया नागरिकता प्रमाण पत्र। पेरिस ओलंपिक की भी जोरदार शुरुआत। ओलंपिक में भारत ने कई पदक जीतवा रही है उम्मीद। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग आवन वाला दिना माए बारिश की गतिविधियां जारी रहे बारी जताए अनुमान।
राजस्थानी खबरों बुलेटिन अठै पूरा हो। आप देखता रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।